चलो वेरी गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? देयर इज अ क्लियरिटी इन माय वॉइस? ओके चलो, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी गुड इम्पॉर्टेंट लेसन ऑन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इससे पहले हम लोगों ने मीडियन तक पढ़ लिया था, क्वार्टाइल हमने देख लिया था, ठीक है। वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स, इफ़ यू वांट टू हैव अ प्रॉपर नॉलेज, यू नीड टू हैव अ मोर एंड मोर प्रैक्टिस। जितने भी आपको एक ही बुक से हमने हम पढ़ाई कर रहे हैं बेटा, वी आर फॉलोइंग ओनली वन बुक, दैट इज़ अ वी के ओरी वाला बुक फॉलो कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इस बुक के अनुसार आपके एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको करना है, दैट्स ऑल, ओके। हमने जब अर्थमेटिक मीन पढ़ाई किया था बेटा, उस समय हमने बात किया था टेक डायरेक्ट शॉर्टकट एंड स्टेप डिविजन मेथड टू कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन इन इंडिगो सीरीज। सो वो इंडिगो वर्ड जो है हमने जो लिया था इंडिगो एयरलाइंस से, तो इंडिको वर्ड को आपको याद रखना है। इंडिको यहाँ पर मैंने मार्क किया हुआ है, इंडिको दैट इज इंडिविजुअल डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज। तो मोड निकालते समय भी हमारे पास तीन तरह के सीरीज हैं, इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है और कंटिन्यूअस सीरीज है। वैसे तो मोड निकालने का जो तरीका है, एक इंस्पेक्शन मेथड है और एक दूसरा ग्रुपिंग मेथड है, ठीक है। लेकिन तीनों सीरीज में उसके फॉर्मूले अलग होंगे, थोड़े तरीके अलग हो सकते हैं, उसको हम आगे आने वाले समय में देखेंगे। मोड का मतलब क्या है, बहुत ही शॉर्टकट में हमने कल स्टार्ट किया था, इससे ज़्यादा इंफेसाइज नहीं करेंगे। और आपकी स्क्रीन पर जो ये इंपॉर्टेंट वैल्यू पॉइंट्स हैं मैंने उसको अंडरलाइन किया हुआ है, बस आप इतना समझ लो, जिसकी फ्रिक्वेंसी हाइएस्ट होगी वो मोड कहलाने का अधिकारी होगा, ठीक है। जिसकी फ्रिक्वेंसी हाई ज़्यादा होगी, ठीक है, जिसकी बारंबारता ज़्यादा होगी वही मोड। ला मोड मतलब फैशन होता है, फ्रेंच वर्ड से लिया गया है ये वर्ड है, ठीक है। यहाँ डिफिनेशन कुछ दिए गए हैं, अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली, यहाँ मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। दोनों डिफिनेशन का मतलब यही है कि जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है वो मोड कहलाता है। गेटिंग पॉइंट, ये हमने कल डिस्कशन कर लिया था, इस पर ज़्यादा एम्फसाइज नहीं कर रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ मोड मैंने जैसे बताया, इंडिको सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज, तीनों सीरीज में अलग अलग तरीके से हम मोड का कैलकुलेशन करेंगे। आपके सामने दिया हुआ है, मोड इज कैलकुलेटेड डिफरेंटली फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीरीज, कैलकुलेशन ऑफ मोड इन इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में हम मोड का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हाउ वी कैलकुलेट मोड इन इंडिविजुअल सीरीज। हियर इज देयर आर टू वेज, दो तरीके हैं हमको इंडिविजुअल सीरीज में मोड के कैलकुलेशन के। पहला हमारा इंस्पेक्शन मेथड है और दूसरा है कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज को हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। आप ये जानते हैं इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है बेटा, इंडिविजुअल सीरीज वो है जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है। किसी भी बच्चे की हाइट दिया हुआ है, जो भी हाइट है, दैट इज़ ओनली इफ़ द हाइट इज़ गिवेन देन इट इज़ अ इंडिविजुअल सीरीज। लेकिन व्हेन द नंबर इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद दैट देन इट बिकम्स द डिस्क्रीट सीरीज। और कंटिन्यूस सीरीज आप जानते हो, एक जो क्लास इंटरवल होता है, क्लास इंटरवल विद फ्रीक्वेंसी इट मेक्स द कंटिन्यूस सीरीज। तो उसको हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, यू नो ऑलरेडी, ओके। सो देर आर टू वेज ऑफ कैलकुलेटिंग मोड इन इंडिविजुअल सीरीज, बाय इंस्पेक्शन मेथड, बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज। आई होप इट इज़ क्लियर डियर, समझ में आ रही मेरी बात? बोलिए बेटा, चिल्ड्रेन रिस्पॉन्ड फास्ट, चिल्ड्रेन हाँ फास्ट रिस्पॉन्ड करो बेटा। मोड बाय इंस्पेक्शन मैथड, ओके। तो दिस मेथड इन्वॉल्व्स जस्ट एन इंस्पेक्शन ऑफ द सीरीज। हम किसी चीज़ को देख के ही बता देते हैं, जैसे हमारे सामने से बच्चे हैं, श्रेया जा रही है और क्लास वन का कोई बच्चा जा रहा है, वरुण जा रहा है, क्लास वन का कोई बच्चा जा रहा है, वैष्णवी जा रही है, क्लास वन का कोई बच्चा जा रहा है, साहिल जा रहा है, तो हम देख के बता सकते हैं ना कि किसकी हाइट ज़्यादा है, किसकी हाइट कम है, ठीक है। क्लास एलेवेंथ के 10 बच्चे जा रहे हैं, क्लास वन का एक बच्चा जा रहा है, दो बच्चे जा रहे हैं, तो हम बता सकते हैं कि ज़्यादा हाइट वाले बच्चों की फ्रीक्वेंसी एलेवेंथ की है, तो मोड उसी क्लास का होगा, उसी वही हाइट होगी। आर्गेनिक पॉइंट, तो हम एक केवल हम सरसरी निगाह से कुछ नंबर्स को देखते हैं और उस नंबर्स जिस नंबर की कंटिन्यूटी ज़्यादा है, जिस नंबर की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, जिस जो नंबर बार बार यूज हो रहा है, दैट इज़ वॉट जिसको कहते हैं ट्रेंडिंग है, जो नंबर ट्रेंडिंग है, मतलब जो नंबर ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या है, वो हमारा मोड बन जाएगा, वो इंस्पेक्शन मेथड कहलाएगा। जैसे आपकी स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, एज ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज रिपोर्टेड बिलो, फाइंड द मोड मॉडल एज,
तो आपके सामने देखो एज दिया हुआ है 20, 22, 24 लाइक दैट। सो इसमें आप देख रहे हो ना कि आप देखो किसी नंबर की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा दिखाई दे रही है। 22 देखो 1, 2, 3, 4 टाइम्स, ठीक है। 22 सबसे अधिक बार मुझे दिखाई दे रहा है, जो समझ में आ रहा है सबसे अधिक बार 22 है। तो 22 क्या हो गया, मोड हो गया। और मोड को हम रिप्रेजेंट करते हैं जिस अल्फाबेट से, दैट इज़ अ जेड, ओके। और इसको याद रखने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि मीन मीडियन मोड, मोड सबसे लास्ट में आता है और अल्फाबेट का सबसे लास्ट जो अल्फाबेट है दैट इज जेड, ओके। आर यू गेटिंग पॉइंट, आर यू गेटिंग पॉइंट डियर? चलो, तो याद करने के लिए मैंने एक यहाँ पर टिप दिया आपको कि आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, दिमाग बैठा सकते हैं कि मोड को किस वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट इज जेड, ओके। नेक्स्ट है बाय कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इनटू डिस्क्रीट सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज को हम डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर रहे हैं, ओके। उसको देखेंगे, व्हेन द नंबर ऑफ आइटम्स इन सीरीज इज वेरी लार्ज, छोटा है तो इंस्पेक्शन मेथड से कर लिया, लेकिन जब संख्या बढ़ जाएगी तो उसको मैनेज करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। जो हमारा स्टैटिस्टिशियन है, जो इन्यूमरेटर्स है, जो इन्वेस्टिगेटर्स है, उसके लिए दिक्कत हो सकती है। तो उसमें उसके लिए क्या अल्टरनेटिव निकाला गया, क्या है, व्हेन द नंबर ऑफ आइटम्स इन अ सीरीज इज वेरी लार्ज, इंस्पेक्शन मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट द मोड बिकम्स वेरी डिफिकल्ट इफ नॉट इम्पॉसिबल। इन सच केसेस इंडिविजुअल सीरीज अ फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी सीरीज और फ्रीक्वेंसी अरे, द मोड इज देन आइडेंटिफाइड एज द वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू विच देयर इज अ हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी। ये समझना बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है, इंडिविजुअल सीरीज को पहले डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करना है। वो उसको कैसे करेंगे, देखो डेटा हमारे पास पहले के केस में डेटा हमारे पास कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यहाँ क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है एज ऑफ 15, तो ये 15 है, ठीक है। लेकिन अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो तो 15 क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 9, 14 तो दिखाई दे रहे हैं ना, फाइन, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और इसमें जो अब हम क्या करेंगे, इसको पहले सबसे पहली बात तो क्या होता है, जब भी हम मोड निकालते हैं, मोड इज ऑल्सो अ पोजिशनल वैल्यू, रिमेंबर इट, मोड इज ऑल्सो अ पोजिशनल वैल्यू। तो सब हम सबसे पहले क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। अगर ये जिगजैग फॉर्म में होगा, वैल्यूज कम वैल्यूज और सब सारी वैल्यूज मिक्स होंगी, हाईएस्ट वैल्यूज, मिडिल वैल्यूज, लोएस्ट वैल्यूज सब जिगजैग में होंगी, तो हमारे लिए कैलकुलेशन और कन्फ्यूजन के चांसेज बढ़ जाएंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटी वैल्यू पहले और सबसे जो मैक्सिमम, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है सबसे लास्ट में रखते हैं। आर गेटिंग पॉइंट, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले डेटाज को अरेंज किया, इसके बाद हमने क्या किया, उस डेटाज की फ्रिक्वेंसी कितना है उसको लिख दिया। जैसे देखो डेथ रेट इज गिवन ना 10.4, 10.5, 10.6 अप टू 11.5, इट इज़ गिवन ऑन योर स्क्रीन। एंड उसके नीचे हमने फ्रिक्वेंसी क्रिएट कर लिया कि भाई 10.4 के कितने नंबर्स हैं, दैट इज़ 1, ओके। 10.6 के कितने नंबर्स हैं, दैट इज़ 5, ओके। आर गेटिंग पॉइंट, लाइक दैट 11.5 के कितने हैं, तो दैट इज़ 1। तो इस तरीके से हमने सबकी फ्रिक्वेंसी को लिख लिया। आर गेटिंग पॉइंट, एनी कन्फ्यूजन? नो। सो हमने अब इस फ्रिक्वेंसी को, अब पहले क्या था हमारे पास, केवल इंडिविजुअल सीरीज़ का एक मॉडल था। उस इंडिविजुअल सीरीज़ को हमने उसकी चूँकि फ्रिक्वेंसी सबकी फ्रिक्वेंसी थी, पहले हमने जो छोटा वैल्यूज था, देखो पहले यहाँ पर आते हैं, पहले हमारे पास छोटे वैल्यूज थे, हमने देख के ही ऑब्जर्व करके बता दिया कि हाँ 22 की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, ये कम संख्या है तो हम ऐसा कर पाए। लेकिन हमारी संख्या जब ज़्यादा हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसको पहले इस तरीके से टेबल बना लेंगे, उसकी फ्रिक्वेंसी लिख लेंगे जहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है स्क्रीन पर, और उसको नंबर हम काउंट कर लेंगे कि इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। और इसको लिखने के बाद अब हम क्या देखते हैं कि 10.6 की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही, दैट इज़ 5। एम आई राइट डियर? हाँ। तो 10.5 की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब कि इसकी मॉडल वैल्यू जो होगी, फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा 5 है, किसकी है, 10.6 की। तो हमारा मोड क्या होगा, 10.6 होगा। ध्यान रखना, फ्रिक्वेंसी में हम मोड नहीं देखते हैं। फ्रिक्वेंसी केवल ये बताने के लिए है कि जो जिस चीज़ का जो हम यहाँ पर डेथ रेट है, साइज है, कुछ भी हो, उसकी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है। जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो गई उसकी, उसको हम वैल्यूज़ में हम फाइंड करते हैं मोड को। फ्रिक्वेंसी ओनली हेल्प्स टू इंडिकेट दैट कि वो मोड किस कौन सा होगा। गेटिंग पॉइंट डियर?
यस कोई डाउट नहीं। अब हम आते हैं कैलकुलेशन ऑफ मोड इन डिस्क्रीट सीरीज और फ्रिक्वेंसी एरे, ठीक है। इसमें कैसे कैलकुलेट, डिस्क्रीट सीरीज पहले हमने क्या किया, इंडिविजुअल सीरीज जो दिया हुआ था, ध्यान देना फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक एक बच्चे को याद होना चाहिए। और घर पे जाके प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगेन जीरो बाई सन्नाटा, नथिंग यू कैन अचीव, ओके। तो हमने यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्टॉप करूँगा ताकि रिकॉर्डिंग हमारी थोड़ी ठीक ठाक रहे। तो पहली बात क्या है, हमने अभी जो पढ़ा, हमने क्या पढ़ा, इंडिविजुअल सीरीज के बारे में पढ़ा, इंस्पेक्शन मेथड के बारे में पढ़ा, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज और कन्वर्टिंग इंडिविजुअल सीरीज इन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, ये हमने पढ़ा। गेटिंग पॉइंट, ओके बेटा, हाँ चलिए।